तो दोस्तों आज बात करेंगे पैनासोनिक के सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। ये वॉशिंग मशीन 7 kg के सेगमेंट में है, दोनों ही 7 kg में है, लेकिन साइजेस में डिफरेंस है। आज हम बताएंगे और पूरी बात कवर करेंगे इनके साइजेस में डिफरेंस क्यों है जबकि दोनों ही 7 kg है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो रेड वाला है उसका मॉडल नंबर है W70B5RR, जबकि ब्लू वाले की बात करें W70L5ARB मॉडल नंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले प्राइसिंग बता दूं क्योंकि प्राइसिंग बहुत ही जरूरी है बताना। रेड वाला जो है आपको वो 10,000 का पड़ेगा जबकि ब्लू वाला है वो 9,000 का पड़ेगा। जी हाँ, 7 kg में दोनों में 1,000 का डिफरेंस है। आज हम इस डिफरेंस को बताएंगे, ये डिफरेंस क्यों है, किस लिए है। तो दोस्तों बात करें रेड वाले की, रेड वाले में जो वॉशिंग वाटर टब कैपेसिटी है वो 77 लीटर है जबकि ब्लू वाले में 65 लीटर मिलता है आपको। पहला डिफरेंस ही आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी वॉशिंग कैपेसिटी की। जी हाँ, रेड वाले की जो वॉशिंग कैपेसिटी है वो 7 kg है, और बात कर रहे हैं रेड वाले की स्पिन कैपेसिटी की, वो 5.5 kg है। अब आ जाते हैं ब्लू वाले में, ब्लू वाले में जो वॉशिंग कैपेसिटी है वो 7 kg है और जबकि इसकी स्पिन कैपेसिटी है वो 5 kg है। अब आ जाते हैं इसके मोटर पे, मोटर की भी बात कर लेते हैं दोनों की। रेड वाले में जो वॉशिंग मोटर है वो 360 वाट की मिलती है जबकि स्पिन मोटर जो है वो आपको 160 वाट में आती है। अब ब्लू वाले की बात कर लेते हैं, ब्लू वाले में जो है वॉशिंग मोटर 360 वाट में मिलती है जबकि स्पिन मोटर है वो 160 वाट पड़ती है आपको। तो दोस्तों बात कर ले इसके डायमेंशंस की, रेड वाले की डायमेंशन में आपको बता दूं, उसकी हाइट है 950 mm और इसकी जो विड्थ है वो 830 mm है, और बात करें इसके डेप्थ की 485 mm है, और इसका जो ओवरऑल वेट है वो 22 kg पड़ता है आपको। बात करें ब्लू वाले की, ब्लू वाले के डायमेंशन की बात करें, हाइट है 955 mm और इसके विड्थ की बात करें 760 mm है, और इसके डेप्थ की बात करें वो 440 mm आपको पड़ता है, और इसका ओवरऑल वेट है 19.5 kg। तो दोस्तों अब कैमरा क्लोज करता हूं और मैं दिखाता हूं इसके कुछ और फीचर्स, और अंदर से दिखाता हूं कैसा है ये वॉशिंग मशीन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कैमरा क्लोज कर दिया और आपको दिखा दूं, इसमें जो पैनल है वो कवर्ड है। ये मैं फ्लैप ओपन करता हूं उसका, देखें, और यहां से भी आपको फ्लैप ओपन करता हूं दिखाता हूं आपको। यहां पे दो नॉब्स दे रखे हैं आपके लिए, और इसमें पहला जो है वॉशिंग टाइमर के लिए है जो कि नॉर्मल है, और वॉश सेलेक्टर के लिए जो भी आपको चाहिए, जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रांग, जैसे भी आपके कपड़े हैं उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा इसमें आ जाए हम लोग, वॉश और ड्रेन के लिए ऑप्शन दे रखा है, साथ ही साथ उसमें स्पिन टाइमर है, स्पिन अपना टाइमर सेट कर सकते हैं, दो नॉब उसके लिए है। ये वाटर इनलेट के लिए, वाटर अपना यहाँ से आपका अंदर जाएगा, साथ ही साथ ऑप्शन है सिलेक्ट कहाँ करना है, आपको वॉशर में देना है या स्पिन में डालना है, वो आपकी जरूरत के हिसाब से है। तो दोस्तों उसका वॉशिंग सेगमेंट आपको दिखा दूं कैसा है, वो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कैमरा मैं थोड़ा क्लोज करता हूं। तो दोस्तों ये मैंने कैमरा क्लोज कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप डिटर्जेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप फिल कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है तो नॉर्मल भी जैसे यूज करते हैं वैसे डाल सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं रबिंग के लिए, नॉर्मल सा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है, और यहाँ पे लिंट फिल्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको बंद करता हूँ और आपको स्पिन की तरफ ले चलता हूँ। तो दोस्तों अब आपको स्पिन चैम्बर की तरफ ले चलते हैं, उसमें क्या कुछ खास है आपको दिखाता हूँ मैं ओपन करके, देखिए, और थोड़ा सा कैमरा में हल्का सा शिफ्ट कर दूँ, ये देखिए कुछ एवरेज स्पेस है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, 7 kg के हिसाब से एक सो स्पेस है, ठीक है। अब बढ़ते हैं ब्लू वाले की तरफ, उसमें आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं ब्लू वाले वर्जन की बात करते हैं, इसमें देख सकते हैं आप ये वॉश टाइमर दे रखा है, वाटर इनलेट है, वाटर इनलेट आप अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे कपड़े आपके कैसे हैं, रेगुलर है, स्ट्रांग है, और साथ ही साथ ड्रेन भी यहीं से कर सकते हैं, एक ही बटन से आपको दे रखा है। स्पिन टाइमर है, आप स्पिन टाइमर जब कपड़े सुखाना हो तो उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बजर का ऑप्शन दे रखा है जो कि एक अच्छा फीचर है, रेड वाले में भी आपको बजर मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, अच्छी बात है। अब आपको वॉशिंग वाला चैम्बर दिखाते हैं, वॉशिंग कैसा कुछ है इसमें, कुछ अनोखा है क्या है। तो दोस्तों अब आपको वॉशिंग वाला चैम्बर दिखाते हैं, वॉशिंग में क्या कुछ खास है वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं वॉश सेलेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, अपने जोड़ के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं नीचे कुछ नॉर्मल ही है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, लिंट कलेक्टर है, सब एवरेज किस्म का है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जैसे ओवरऑल वॉशिंग मशीन में दिखाया था और दूसरे ब्रांडों में, सब एवरेज किस्म का है। अब चलते हैं इसके स्पिन की तरफ, उसमें क्या कुछ खास है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसके स्पिन की तरफ आ गए, यहाँ पे एक चैम्बर दे रखा है इन्होंने अलग से कि मतलब एयर इसमें सक हो, और उसके बाद आपके अच्छे कपड़े बिल्कुल ड्राई ड्राई निकले इसके अंदर से, मैं आपको दिखा देता हूँ। एयर इसके थ्रू अंदर जाएगी, साथ ही साथ स्पिनर आप देख सकते हैं, एवरेज किस्म का इसमें स्पेस है, ठीक है।
कोई डिमांडिंग नहीं इतने बजट में, लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है इसके अंदर जैसे कि और आप वॉशिंग मशीन में देखते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे अब तक के इसके फंक्शन और फीचर की बात, अब बात कर लेते हैं इसके वारंटी की। जी हाँ, वारंटी जो है कंपनी इस पे 2 साल ओवरऑल प्रोडक्ट पे देती है, जबकि 5 साल आपको वॉशिंग मोटर पे आपको वारंटी मिलेगी। तो दोस्तों बात करें इसके स्टार रेटिंग की, रेड वाला जो है 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जबकि ब्लू में ऐसा कुछ मेंशन कंपनी ने नहीं किया है। तो दोस्तों रॉ रिव्यू को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।